ये हमारी कहानी का सार है। गोलू और राजू भाई और बहन है। बहुत ही छोटी है। एक बच्ची, भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। अंधेरी गुफा में बिना डर के चलती है। वो खंभों पर चढ़ती है। वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। हर हर महादेव। उसके अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता। देखिए, उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए Thank you.
अपनी धड़कन सुनो, युद्ध के नगाड़े जैसे। अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो। ये दरवाजा कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। तुमने देखा मेरी बच्ची, वे तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन संभल कर, सभी दुश्मन तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। इसे देखो, वो करतब दिखाती है हमारी राजी। देखिए वो क्या कर सकती है। शहद असुर को मारने का इनाम, इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता है। इन झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है। आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। त्रिशूल की सही शक्तियों को समझना शुरू कर दिया। आपको मानना पड़ेगा, वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा। लेकिन उसके और यहाँ महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया। यहाँ तक आपका जन्म, देवी दुर्गा। देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रुओं को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में सब। आपने उसे हरा दिया था, आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने यहाँ क्या हुआ था, वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है।
आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई है क्या? सभी चीजें बदलती हैं। रास्ता जयघर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा। हाँ वो है। मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी।